मकान का रास्ता अवरुद्ध कर दबंगों द्वारा दी जा रही हैं धमकियां। परिवार में डर और दहशत का माहौल। लालसोट उपखंड के डिडवाना ग्राम पंचायत में एक परिवार द्वारा आरोप लगाया है कि उनके मकान के सामने रास्ते को अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया गया है। वह कई दबंगों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। डिडवाना ग्राम पंचायत के 22 मील के रहने वाले दीपक मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके मकान के सामने पूर्व सरपंच द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। दबंगों द्वारा उनके मकान के सामने थड़िया रखवाकर उनके मकान के रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है और दीपक मिश्रा के परिवार को धमकियां मिलती हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लालसोट थाने में भी दर्ज करवा रखी है। उन्होंने आगे बताया कि धमकियों से डरकर उनका परिवार आज 5 दिन से घर में कैद है। वे परिवार जनों में डर व दहशत का माहौल बना हुआ है। बताइए आप क्या मैटर है ये अपना डिडवाना 22 मील जिला दौसा। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है, सन ऑफ भगवान साई जी मिश्रा। मेरा मकान रामगढ़ रोड पे 22 मील चौराहे पे स्थित है। मेरे मकान के सामने PWD रेंज में पूर्व सरपंच दीपक शर्मा द्वारा डंडा लगा के अतिक्रमण किया गया है। इस संदर्भ में मैंने कलेक्टर साहब को बताया गया था, उन्होंने PWD को आदेश कर दिए थे जांच के लिए कि तहसीलदार साहब ने इसके ऑर्डर तोड़ने का ऑर्डर भी दे रखे हैं, लेकिन राजनीति दबाव के कारण ये मेरा मकान के आगे का डंडा नहीं हट रहा है। ये क्या मामला था आपका साहब? ये जमीन पहले तो किशोरपुर वाले के नाम थी, श्रीनारायण रामदान के नाम। इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके और राम गोपाल ने जो इनके पिताजी थे राकेश के, उसने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके इसको अपने नाम करवा ली। ये राकेश कौन है? ये राकेश राम गोपाल का पुत्र है। अच्छा अच्छा। इसने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके और अपने नाम इस ज़मीन को करवा ली और 1 करोड़ रुपए की ज़मीन होने के कारण ये हाईवे निकल जाने के कारण इस ज़मीन को इन्होंने अपने हथिया ली और अभी हमको नाजायज परेशान कर रही है, जबकि वास्तविक ज़मीन इनकी नहीं है। अच्छा अच्छा। आज क्या चैप्टर हुआ है? ये जो भी लफड़ा हुआ है, जमीन हमारी है, हमने इसके ऊपर TI जारी करवा के इसके दिन आदेश करवा रखे और हमको पाबंद करा, उसके बावजूद भी कल ये आ गए और थड़िया रख दिए, हमको मारपीट करने के लिए तैयार हो गए सारी। अच्छा, इसमें कौन कौन थे मारपीट करने में आपको, धमकी वगैरह देने में? ये तो ओलू मतलब पुत्र, सरपंच, पूरा नाम बोलिए सरपंच का। ओलू का नाम दीपक। दीपक। अच्छा। और सनोब उमेश, राकेश, सनोब राम गोपाल, सौरभ गौरव पुत्र राकेश। अच्छा, और पहुँचवाए थे। तो ये लोग आपको धमकियां देते हैं मतलब एक तरीके? हमारा यहाँ मकान है भैया, ऐसे मकान हम यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद तो आपके मकान के सामने जो बाउंड्री कर दी गई है, इसका रास्ता वस्ता नहीं है आपके मकान का? कोई रास्ता साहब रोक रखा था।